लोकसभा प्रभारी एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी के नेतृत्व में लोरमी के युवाओं ने रोजगार दो न्याय दो कार्यक्रम के तहत मशाल रैली निकाली। वहीं बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं हाथों में मशाल लिए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रोजगार की मांग किए। साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते हुए सत्ता हासिल की, मगर पिछले 10 वर्षों में उनका ये वादा जुमला साबित हुआ है। जब भी युवा रोजगार की मांग करता है तो केंद्र की मोदी सरकार उन्हें धर्म और नफरत की राजनीति में उलझाकर असल मुद्दों से ध्यान हटाने का काम करती है। हमारी पार्टी 5 न्याय की लड़ाई लड़ रही है, युवा न्याय, भागीदारी न्याय और नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। इसी अभियान के पहले युवा न्याय के तहत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशाल मशाल जुलूस निकाला। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए तुकाराम चंद्रवंशी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात सिर्फ चुनावी जमूला है, ऐसे केंद्रों पर बैठे मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने की भी बात कही। तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, रोजगार दो, लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज हम भारतीय युवा कांग्रेस के तत्वधान में और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष और जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आज लोरमी में मशाल यात्रा निकाली गई। जिस प्रकार से पूरे भारत देश में राहुल जी पहले भी भारत जोड़ो की यात्रा, भारत के आवाम को न्याय दिलाने के लिए ये केंद्र की बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जो लगातार देश के किसानों को, युवाओं को, शिक्षित बेरोजगारों को छलते आ रहे हैं, उनके अधिकार की लड़ाई सड़क पर उतर कर लड़ रहे हैं। हमारे नेता सदन में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल जी के साथ हम सब सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरे भारत देश में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में जो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात तो छोड़ दो बल्कि 12 करोड़ लोगों की रोजगार छिन चुकी है। आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी वो मोदी की गारंटी बता रहे हैं, मोदी की गारंटी रोजगार में दिखानी चाहिए। आज धीरे धीरे 10 साल होने को है उनकी सरकार को, 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को, भारत के आवाम को रोजगार मिलने चाहिए थे, लेकिन आज पर्यंत तक 0 रोजगार है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ हम लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। ये अभी सांकेतिक प्रदर्शन है और भारतीय युवा कांग्रेस, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार हमको जो कार्यक्रम के दिशा निर्देश मिल रहे हैं वो कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे भी प्रदेश स्तर से जो भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा हम निश्चित रूप से आगे भी प्रदर्शन करेंगे, सड़क से लेके सदन तक लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे।